एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। सो गाइस, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन गाइस क्या होती है और प्रीपोजिशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे की प्रीपोजिशंस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले गाइस, हम प्रीवियस सेशंस में यूज़ ऑफ एट, यूज़ ऑफ इन एंड यूज़ ऑफ ऑन को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वो सेशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख लीजिए। सो गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ इनटू, यानी कि इनटू का यूज़ प्रीपोजिशन में किस तरह से किया जाता है। गाइज, सो सबसे पहले मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि, उसे हम मोशन इनसाइड एनीथिंग कहते हैं और उसका यूज़, उसके लिए हम यूज़ इनटू का करते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज, द फ्रॉग fell into the wall, यानी अब यहाँ पे into का use guys, frog किसी अंदर गया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे के अंदर होने वाली गतिविधि के लिए हमने यहाँ पे into का use किया है। ओके गाइस, अगर सिर्फ अंदर की हम बात करते हैं तो हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ जाने के बाद और वहाँ पर कोई गतिविधि हो रही है तो उसके लिए हम हमेशा इनटू का ही यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद भी एक दूसरे की अवस्था बताने के लिए भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। वर्ब कैसे गाइस, जैसे ब्रेक इनटू, अब इसका मतलब क्या हो गया गाइस, यानी जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रेक इनटू। इसी तरह लुक इनटू, अब लुक इनटू का यूज क्या हो गया गाइस, जांच करना, यानी किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसे देखना अच्छी तरह से। ओके, इसी के साथ गाइस, हम हिंदी के का, की या के अर्थ में भी इनटू का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, डैट ओल्ड मैन हैज़ इनसाइट इनटू मैंस करेक्टर, यानी कि गाइस, बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। होता है ना ऐसे कि ओल्ड लोगों को बहुत जल्दी करेक्टर का पता चल जाता है, सो वही गाइस यहाँ पे इस सेंटेंस में लिखा गया है कि बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान होता है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे यूज ऑफ इनटू। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं यूज़ ऑफ बिटवीन की। यूज़ ऑफ बिटवीन गाइस, यानी कि इसका यूज़ हम दो पर्सन या फिर थिंग्स के लिए करते हैं। इन्हें हम बिटवीन एक सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। जैसे गाइस, शी वॉज सीटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, यानी कि वह अपने हस्बैंड एंड फादर के बीच में बिटवीन बैठी है। ओके, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को भी जोड़ दिया एंड के बीच में भी एक्सप्लेन किया गया है।
इसी तरह गाइस, लेकिन बिटवीन का यूज हम नो, वी, विद, ईच एंड एवरी, यानी कि बिटवीन का यूज हम ईच एंड एवरी के साथ नहीं करते। अब गाइस, ये हम किस तरह नहीं करते? सो फॉर एग्जांपल कि हम जैसे गाइस सेंटेंस है, देयर इज गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। सो गाइज, क्या हमारा इस सेंटेंस में ईच एंड एवरी सही है? सो यस, इस सेंटेंस में हमारा ईच एंड एवरी का यूज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, दैट बैट्समैन ब्लो ए विस्टल बिटवीन ईच बॉल। सो गाइज, यहाँ पर अब हमारा क्या ईच सही है? सो नो, यहाँ पर हमारा ईच का यूज सही नहीं है। यहाँ हम बिटवीन के बाद, क्योंकि हमने बिटवीन का यूज़ कर लिया है, इसीलिए हम ईच का यूज़ नहीं करेंगे। और ईच का यूज़ ना करने के बाद अब हम इसमें क्या करेक्शन करेंगे? हम बॉल को बॉल्स कर देंगे, तब ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे बॉल, ईच बॉल करके सेंटेंस अगर लिखेंगे तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। ईच हटाने के बाद हम बॉल को बॉल्स कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ अमंग। सो गाइस, अमंग का यूज भी के बीच में के मीनिंग में किया जाता है। इसका मतलब भी होता है कि टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच में, लेकिन मोर देन टू पर्सन और थिंग। बिटवीन का यूज हालांकि सिर्फ दो पर्सन्स या थिंग्स के बीच में होता है, लेकिन अमंग का यूज मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, डिवाइड दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। भाई चिल्ड्रन के अंदर हम कभी भी एस या फिर आईएनजी के फॉर्म का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप में एक प्लूलर वर्ड होता है, इसीलिए। ओके, सो यहाँ पे चिल्ड्रन का यूज़ हुआ है गाइस, इसीलिए अब यहाँ पे एक चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है या दो से ज़्यादा चिल्ड्रन है, इसीलिए हमने, क्योंकि चिल्ड्रन है तो ऑब्वियस है कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे अमंग का यूज़ किया है, हमने बिटवीन का यूज़ नहीं किया। बिटवीन का यूज़ हम तब करते जब सेंटेंस को दो व्यक्तियों के बीच कनेक्ट किया जाता, जैसे राम एंड श्याम। ओके, इस तरह से अगर कनेक्ट करते तो हम बिटवीन का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चिल्ड्रन वर्ड का यूज़ किया गया है, इसीलिए हमने अमंग का यूज़ किया है। ओके, इसी तरह गाइस, अमंग के साथ हम देख लेते हैं एक वर्ड होता है अमंगेस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो गाइस, अमंग एंड अमंगेस्ट दोनों का ही प्रयोग कॉन्स्टेंट स्टार्टिंग प्लूलर नाउन के पहले करते हैं। यानी अगर हमारे पास अमंग द बॉयज है, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो ये करेक्ट है। इसी तरह अमंगेस्ट का यूज हम अमंगेस्ट द बॉयज का हम प्लूलर फॉर्म में यूज करते हैं तो ये करेक्ट है। ओके गाइस, लेकिन अगर हम वॉल्व स्टार्टिंग के वर्ड में अमंगेस्ट का यूज करेंगे तो हमारा सही होगा। वॉल्व के साथ, वॉल्व साउंड जब भी हमारा आए तो उसके साथ हम हमेशा अमंगेस्ट का यूज करेंगे, अमंग का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमंग अस
लिखूं जो कि एक अस, ऑब्वियस है गाइस वॉल साउंड आ रहा है इसके अंदर, तो हमारा ये सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर मैं अमंगेस्ट लिखूं एंड उसके बाद अस लगाए तो हमारा ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल साउंड से पहले अमंगेस्ट का यूज़ किया है, अमंग का यूज़ नहीं किया। ओके गाइस, सो ये आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर गाइस आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपकमिंग वैकेंसीज को जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।